प्रशासन भी चुप है, शासन भी चुप है। लंबी लंबी मीटिंग हांग रहे हैं, पेमेंट करवा देंगे, चार दिन में करा देंगे, दस दिन में। पिछले साल के पेमेंट बाकी हैं। बहेड़ी चीनी मिल में तो 100 करोड़ के लगभग बाकी है, यही पोजिशन 40-50 करोड़ में बाकी है। बजाज में और ज्यादा है, सब ऐसा पैसा दबा के बैठे हैं किसानों का कि बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है। सरकार कह रही है किसान आमदनी दुगनी कर रहे हैं, डबल डबल आमदनी बता रहे हैं। पराली जलाने के लिए मना कर रहे हैं, पराली का कैसे डिकम्पोज हो ये व्यवस्था न प्रशासन के पास है न गवर्नमेंट के पास। मैंने खुद के खेत में 7-7 जुताई की है, वो पराली कब्जे में नहीं, आखिरकार उस खेत में हम बो नहीं पाए कुछ भी, दोबारा पलेवा करना पड़ा, इस समय पड़ा खेत ऐसे ही। तो ऐसे में जब तक डिकम्पोज न करने की व्यवस्था हो तब तक पराली जलाने पर रोक ना लगाई जाए। इन्हें जगह जगह पे 10-10, 5-5 गांव के बीच में एक एक मल्चर या ऐसी कोई चीज व्यवस्था करनी चाहिए जो किराए पे भी किसानों को अगर मिलती है तो किसान उसे काम कर सके। इससे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 5,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों खाते में दिया जाए, लेकिन आज तक एक भी पैसा किसानों खाते में पराली वाले के जिसने पराली नहीं जलाई है नहीं गया, वो पैसा जलवाया जाए, ये भी हमारी मांग में है। एक धान के क्रय केंद्र जान पूछ के ऐसी जगह खोले गए हैं जिस जहाँ पे बिचौलियों हावी रहते हैं, या तो बॉर्डर है जिले का या बॉर्डर है तहसील का, जहाँ धान नहीं पहुँचेगा सीधे धान पहुँचता है मिल में, और मिल से उसके पर्चे बनते हैं, कागज कटते हैं, शिक्षार कोई नहीं देता, वो सब उसके थ्रू माना जाता है। हाइब्रिड भी कहकर ठुकरे आ रहे हैं, हाइब्रिड धान को ले नहीं रहे, जो मोटा धान है महंगा बीज दे के धान खरीदवाया। मिल अगर शिक्षार देने लगे, धान मिल शिक्षार देने लगे, उससे गवर्नमेंट को भी घाटा है, क्योंकि जो ये है समिति कौन सी, ये कृषि उत्पादन मंडी समिति, इसको शिक्षा न देने से नुकसान हो रहा है, और किसान का धान नंबर 2 में 1300-1400 रुपए ले रहे हैं। पत्रकार महोदय आगे बढ़ो।